किन चक्करों में लगे हुए हो साहबजादे? एग्जाम में फिर सप्ली आई है तुम्हारी। काशिफ और आसिफ के बच्चों को देखो, हर दफा एग्जाम में पोजीशन लेते हैं। ओ कम ऑन डैड, आपसे कहा तो है नहीं होती पढ़ाई मुझसे। हाँ हाँ, तुमसे तो सिर्फ आवारा गर्दी हो सकती है। अरे भाई क्या हो गया है आपको? आप तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े हुए। अगर आपके भाइयों के बच्चे पोजीशन लेते हैं तो इसमें इसका क्या कसूर है? हाँ अरे भाई, मेरे बच्चे की तो क्लास ही अलग है। ओह थैंक यू मॉम, आप बैठे। तुम ही ने दिमाग खराब किया है इसका। सबसे बड़ी दौलत तालीम है, ये जाहिरी शान और शौकत नहीं। अच्छा ना, दे देगा दोबारा पेपर? खाक दे देगा पेपर। सारी सारी रात आवारा दोस्तों के साथ रहकर सारा सारा दिन सोता है घर पे, दे देगा पेपर। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे अपने साथ कारोबार में लगा लें? डैड मॉम ठीक कह रही है, और वैसे भी अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं आपके साथ कारोबार करना चाहता हूँ, आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। कल से चलना मेरे साथ फैक्ट्री, अब मेरा सारा काम तुम ही संभालोगे। देखता हूँ तुम्हारी तालीमी काबिलियत और तुम्हारी कारोबारी काबिलियत। देखो इस दफा ना तुम अपने पापा को नाराज मत करना, समझे? आप बेफिक्र हैं मॉम, इस बार देखना मैं डैड के कारोबार को कहाँ तक ले जाता हूँ। ये तो शुक्र मजीद पढ़ाई से तो जान छुटी मेरी। वो मंजूर भाई के मिठाई का डब्बा पहुंचा दिया था आपने? हाँ हाँ, मैं खुद लेकर जाऊंगा, मंगनी का इनविटेशन भी तो देना है ना मुझे। अरे क्या फायदा, मंजूर भाई अकेले ही चले आएंगे, उनकी बीवी और बेटे तो आने से रहे, उनकी तो गरीब रिश्तेदारों से मिलने में शान घटती है। चलो हमें तो अपने भाई का मुंह देखना है। हाँ मैं ये कह रहा था कि किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बाजार जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। हाँ ये मैंने लिस्ट बना दी है ना, आप ले जाइए। अरे हाँ ये है ना, इतनी लंबी लिस्ट, रस्म घर में हो रही है, बखेड़ा क्यों कर रही हो? अब आप इन मामलों में ना बोले, मुझे अपनी बेटी की खुशियां पूरी करने दें। अरे दो ही तो बेटियां हैं मेरी। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, आदिल की अंगूठी मैंने बन्ने को दे दी है, सोने की नहीं चांदी की। सोने का मना किया उसने। क्यों मना किया था? वो कह रहा था कि सोना मर्दों पर हराम है। काशी भाई का बेटा माशाल्लाह कितना अच्छा है, हमारी अस्मा को बहुत खुश रखेगा। और आपको पता है उसकी ना तरक्की भी हो गई है। अच्छा भाई माशाल्लाह, बहुत मेहनती और पढ़ा लिखा बच्चा है। और ये अस्मा नहीं आई यूनिवर्सिटी से? बस आने ही वाली है, रास्ते में होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ बाजार। अरे रुके, चाय बन गई, लेकर आ रही हूँ। चले जल्दी ले आए भाई। अरे देख लिया आपने अपने भाइयों को? हाँ बच्चों के रिश्ते चुपके चुपके तय कर लिए और आपसे मशवरा भी नहीं लिया। बताया था मुझे आसिफ ने, वैसे तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्या तुमने शादी करवानी थी रिशान की अस्मा से? मेरे बेटे के लिए वो अस्मा ही रह गई है क्या? वैसे भी वो लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत पर निकल आए उसके। और हाँ, क्या मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है? वैसे लगता तो ऐसा ही है कि हमें बहुत बुरा लगा है। बुरे तो मुझे आपके पूरे खानदान वाले लगते हैं। और ज्यादा पैसे वैसे मत दे आइएगा अपने भाइयों को, आप अकेले ही चले जाइएगा, मैं और जिशान नहीं जाएंगे। हेलो डैड। क्या हुआ, मम्मा इतना गुस्से में थी? तुम जानते नहीं उनकी आदत को। अच्छा चलो छोड़ो, एक काम करो मेरा, उसकी आसिफ की बेटी की मंगनी है
तुम ये लिफाफा दे आना उसे। असल में मेरी एक दो दिन से तबीयत सही नहीं है, वरना मैं खुद चला जाता। कोई बात नहीं डैड, मैं चला जाऊंगा। और हाँ, वो अपनी माँ को नहीं बता देना, तूफान खड़ा कर देगी भाई वो तो। नो वे डैड, चले मैं क्लब जा रहा हूँ, वापसी में देता हुआ आ जाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आज सब अकेले आए? तायब भी नहीं आए? अब जी, मैं अकेला ही आया हूँ, डैड ने भेजा था, चचा से कुछ काम था। अब्बू तो घर पे नहीं है, लेकिन आप आइए, मम्मी को बुला देती। अब आपको काफ़ी दिनों बाद देखा। जाहिर सी बात है, आप लोग आते ही कहें घर पे। अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आए ना कभी हमारी तरफ। क्यों, आपकी शादी? अब मतलब आप लोगों के घर से तभी इन्विटेशन आता है जब कोई तकरीब हो। अरे नहीं नहीं, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। अच्छा, आइए ऊपर। बैठो बेटा। अम्मी मैं स्टडी करने जा रही हूँ। अरे भाई बात सुनो, जिशान के लिए चाय बना कर लेकर आओ, कहाँ जा रही हो? अरे नहीं नहीं चाची, जहमत ना करें आप। अरे नहीं बेटा, इतने दिनों बाद आए हो, जाओ शाबाश चाय लेकर आओ। और सुनाओ अम्मी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक। वो चचा, मैं चाहता हूँ कि अस्मा अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद हम शादी की तारीख रखें। वो बहुत ही ज़हीन लड़की है और उसे पढ़ने लिखने का तो बहुत शौक है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो अपनी मंगनी में भी बड़ी डरी हुई थी। वो तो तुम्हारी चची और मैंने उसे समझाया कि बेटा पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा। अच्छा चचा, वो मंजूर ताह का बेटा जिशान आया था मेरे पास ऑफिस में। क्या जिशान तुम्हारे ऑफिस में? क्यों? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। हाँ वो कह रहा था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ इधर आया हुआ था, तो मुझसे मिलने आ गया। अच्छा चलो अच्छा है, मंजूर भाई का बेटा अपने बाप के रिश्तेदारों से मिलने लगा है। हाँ वो फरहीन भी बता रही थी कि घर पे आया था और बड़े अच्छे अंदाज से मिला है वो। पर चचा उसका रवैया मुझसे बहुत रूखा हुआ था। अरे नहीं बेटा, वो अपनी माँ पर नहीं गया है, वो चाहता है कि हम सब से मिलें। तुम ऐसा ख्याल दिल में मत लाओ। हो सकता है चचा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाय पियो। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ? हाँ वो मैं यूनिवर्सिटी आया था डिग्री का मालूम करने। ओह
ग्रेजुएशन हो गया आपका? जी जी। अच्छा, फॉर्म ले लिया आपने? अब नहीं, वही पूछना था कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। एक्चुअली अभी तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, मैं कल ले लूँगी फॉर्म, आप घर आके मुझसे ले लीजिएगा, मैं भी बस घर ही जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया, चले मैं चलती हूँ। आए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। आप प्लीज़ आ जाएँ, वैसे भी मैं आपकी घर की तरफ जा रहा हूँ। नहीं फिर कभी, थैंक यू। अब आप यहाँ तक छोड़ने आए तो ऊपर भी आ जाइए, ताकि मोहल्ले वाले समझ जाएं कि जो मुझे घर तक छोड़ना है उसे मेरे घर वाले भी जानते हैं। अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी यूनिवर्सिटी आए थे अपने किसी काम से, तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। चलो खैर, बैठो बेटा। नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, सोने के लिए जा रही हूँ, और अम्मी प्लीज़ दो तीन घंटे से पहले मुझे उठाइएगा। अच्छा, अरे बेटा तुम तो बैठो, आओ शाबाश। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? पता नहीं, जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी, लेकिन यही सच है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, मुझे तुमसे। देखो समझने की कोशिश करो, मेरी मंगनी आदिल से हुई हुई है और मेरी उससे शादी होने वाली है, बस मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हो जाए तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। हर नामुमकिन चीज को मुमकिन किया जा सकता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। और वैसे भी उस आदिल की हैसियत क्या है मेरे सामने? आदिल तुमसे लाख दर्जे अच्छा है, समझ आई ना? और वैसे भी तुम्हारे पास पैसे है तो तुम पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो। नहीं ऐसा नहीं, और वैसे भी तुमसे शादी से अच्छा है कि मैं कहीं जाकर खुदकुशी कर लूँ। अस्मा मेरी बात सुनो, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा घटिया इंसान हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निशान जी, क्या कह रहे हो तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां देखी हैं, मैं उनकी तस्वीरें भी लाई हूँ, तुम्हें उनमें से जो भी लड़की पसंद आएगी उससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ अस्मा से, और अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी
तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अस्मा कोई खिलौना नहीं है जिसे खरीद कर तुम्हें दे दिया जाए। अगर तुम्हें पसंद थी तो पहले कहते, उसकी मंगनी होने से पहले मैं तुम्हारा रिश्ता डाल देता। मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। और वैसे भी मंगनियां टूटती रहती है। आप उनसे कहें कि वो ये रिश्ते के लिए राजी हो जाए। उनका जो मुतालबा होगा वो मैं पूरा करूंगा। तुम्हारा बेटा पागल हो गया है शाहीन, अब मैं किस तरह जाके भाई से बात करूं? अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। निशान, मुझे तो लगता है ये लड़का वाकई में पागल हो गया। कैसे जाऊंगा आसिफ से बात करने? किस मुंह से बात करूंगा उससे, उसकी बेटी की मंगनी हो चुकी है? ईशान ने किस दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है मुझे। क्या करूं, कोई फैसला नहीं कर पा रहा। भाई साहब, आप हमारे घर आए ये खुशी की बात है, लेकिन आप पर ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? आसिफ, मैं जानता हूं कि ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं, पर ज़ीशान की जिद ने हमें बिल्कुल बेबस कर दिया है। भाई साहब, आप अपने बेटे को खुद समझाएं। वो तो वैसे भी रिश्तों का एहसास खत्म कर चुका है। हर चीज को दौलत में तोलता है। मेरा यकीन करो फरहीन, उसने आज तक किसी से शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन अस्मा के मामले में किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई साहब, ये आप लोगों का पर्सनल मामला है। अब आप अपने बेटे को जैसे मर्जी समझाएं, और अस्मा तो वैसे भी उसे दो टोक जवाब दे चुकी है। भाई साहब, जिस तरह से हमारे लिए ज़ीशान है, इसी तरह से आदिल है। मैं आदिल के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं हमारी तरफ से इनकार है। फरहीन, माजरा चाहती हूँ भाई साहब। बेटा, वो लोग तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो अगले महीने अस्मा की और आदिल की मंगनी कर। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी अस्मा से हो। अगर आप लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिश की होती ना, तो वो जरूर मान जाते। आफ्टर ऑल, आप उनके बड़े भाई हैं और हर काम आपके मशवरे से होता है। देखो, जो मैं कह सकता था मैंने कहा। तुम्हारे चाचा कह रहे हैं कि अस्मा के अलावा वो अपनी छोटी बेटी से तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। नहीं करनी मुझे उनकी किसी और बेटी से शादी। मुझे सिर्फ अस्मा चाहिए, सिर्फ अस्मा। देखो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की है, अब ये नहीं हो सकता। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अफसोस रहेगा कि आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की। देखो बेटा, ये सब किस्मत के खेल है, भूल जाओ तुम उसे। हम तुम्हारे लिए कोई बहुत ही अच्छी लड़की तलाश करेंगे। बैठो।
चाचा जान, मैंने अपनी शादी के सारे कार्ड बांट दिए, अगर आप लोगों के रह गए हैं तो मुझे दे दीजिएगा, मैं दे आऊंगा। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा, तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत काम है। लेकिन मैं मंजूर चाचा की तरफ नहीं गया, सोचा था मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। तो ठीक है, कल चलते हैं। अच्छा चटी जान, निशान अब तो तंग नहीं करता अस्मा को? वो बेटा अस्मा बता रही थी कि उसकी कॉल आई थी 2 महीने पहले, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, शादी की मुबारकबाद दे रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उसे अपने किए पर शर्मिंदगी तो हुई। हाँ बेटा सही कह रहे हो। लाइन चाची जान मैं लिख लूँ? लो बेटा कुछ रह गए, लिख दो। शाबाश। हाँ। बस मोबाइल छोड़ दें, आप नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड। कल मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, कुछ दोस्तों को घर पर इनवाइट किया। खैरियत? वो पिछले महीने फैक्ट्री में काफी मुनाफा हुआ था तो दोस्तों ने कहा ट्रीट दो, मैंने कहा घर पर ही आ जाओ। चलो अच्छा है, तुम दोस्तों के साथ एंजॉय करना, मैं चला जाऊंगा फैक्ट्री। वैसे बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया, इसी तरह तुम जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बनवाना है, मैं कुक से कह दूंगी। जो मर्जी चाहे आप बनवा ले मॉम, मैं वैसे भी फैक्ट्री जा रहा हूँ। चले मैं चलता हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करके जाओ, ऐसे कैसे? नहीं मम्मा वैसे ही लेट हो चुका हूँ। सी यू डैड, सी यू मॉम। ओके खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है कि उस अस्मा से इसकी जान छूट गई। अच्छा वो आसिफ और आदिल आए थे शादी का कार्ड देने के लिए। भाई आप मुझसे तो मत कहिएगा जाने का, और हाँ जिशान से भी मत कहिएगा। अरे इतनी मुश्किल से तो वो संभला है।
आखिरकार तुम लोग को ट्रीट मिल गई। जीशान, जीशान, बेटा, वो, बेटा, तुम्हारे डैड को तुम्हारे चचा का फोन आया था और वो बहुत परेशानी के आलम में गए। तो आप कॉल करके पूछ लेती ना। मैंने फोन किया था उन्हें, उन्होंने ये कह के फोन बंद कर दिया कि जल्दी से जीशान को यहाँ भेज दें। चलें ठीक है, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर, शायद कोई ना कोई मसला हो गया होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुम जाते ही ना वहाँ की सूरत हाल मुझे फोन करके बता देना। जी मॉम। ठीक है, ओके। अब आई एम सो सॉरी गाइस, फिर मिलेंगे। क्या हुआ? आपने कहा था फौरन यहां पहुंचो, सब खैरियत तो है ना? अस्मा को यूनिवर्सिटी से वापसी पर किसी ने अगवा कर लिया। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ये हुआ कैसे? अरे हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, जाना किसने अगवा कर लिया मेरी बच्ची को। अरे चची जाना, परेशान मत हो, हो सकता है कि अस्मा को किसी और लड़की की गलतफहमी पर अगवा किया गया। अरे बेटा हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, किसने अगवा कर लिया मेरी बच्ची को। अगर ऐसा होता तो वो अब तक उसे छोड़ चुके होते। अरे अब तो रात हो गई है। मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मार्टिन, मैं इसे जान से मार दूंगी। क्या हुआ चची, मुझे क्या पता, मैं तो घर पर था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी थी। अरे आप डैड से पूछ लिया। हाँ हाँ, वो जीशान ने अपने दोस्तों की पार्टी आज घर पे रखी। अहीन क्या हो गया है तुम्हें, जीशान घर से आ रहा है, बेटी के गम में पागल होती जा रही हो। आदिल बेटा ले जाओ उनको कमरे में। आए चची, आप अच्छा अंदर है। मेरे अंदर जाने से क्या मेरी बेटी मिल जाएगी? बेटा माफ करना, बेटा वो बेटी के गम में अपने होश में नहीं है। कोई बात नहीं चचा, मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। वो किसी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई या नहीं? भाई शादी सर पे खड़ी है, अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पूरे खानदान में बदनामी होगी। हो गया भाई, किसने किया है? हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ हाँ चचा ठीक कह रहे, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुम्हारे बाप से अपनी बात मनवाने के लिए तुझे यहाँ लाए, ये लो खाना खाओ। मुझे खाना नहीं खाना। देखो अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे अगवा करके मेरे बाप से बहुत सारे पैसे ले सकते हो तो ऐसा नहीं है। मेरे बाप एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, मुझे मेरे घर जाने दो। चुपचाप खाना खा। देखो मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो। जब हमें हुकुम होगा तुझे जाने देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ जा रहे हो? अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हेलो।
अस्मा, अस्मा कहाँ से बात कर रही हो तुम? मैं आ गई घर, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, तुम रो मत। कैसे ना रो, मैं उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। क्या 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 उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ, हेलो हेलो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। ऐसी बातें मत करो उस्मा, हिम्मत से काम लो। तुम्हें पता है, आदिल जानता था कि मैं वापस आ गई, लेकिन उसने एक बार भी पलट के मुझे नहीं पूछा। मुझे तो लगता है ये हरकत उसी ने करवाई है। मगर वो तुम्हें अगवा क्यों करवाएगा? तुमने जो मुझसे बातें की थी, मैंने उसे सारी बातें बताई थी। उसके बाद से उसका रवैया मुझसे तब्दील होता रहा। मैं जानती हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने ये हरकत की है। ओ, आदिल इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। पानी पियो। अस्मा की मर्जी तो मालूम कर लो। पूछा था मैंने अस्मा से, उसने आदिल से शादी करने से मना कर दिया। वो कह रही है मैं जीशान से शादी करूंगी। भाई, मजीद बदनामी से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सादगी से निकाह करें और अस्मा को ले जाएं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, अस्मा मेरी बेटी है और निकाह अभी होगा। मैं अभी जीशान को फोन करके बुला लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो, अस्मा बेटी है मेरी। जा रही हूँ मैं तुम्हारे घर से। जाओ जाओ, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई शादी करे। मैं काबिल नहीं हूँ या तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? हाँ, मैंने कहा था, जबरदस्ती की थी, हाथ पांव जोड़े थे तुमसे कि मुझसे शादी करो। अरे दबाव में आके शादी की थी तुमसे, वरना तुम इस काबिल हो? काबिल तो तुम नहीं हो कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ यहाँ रहूं। अरे जाओ यहाँ से, निकलो। जा रही हूँ मैं, पर ये बात याद रखना कि तुम बहुत पछताओगे एक दिन। I said get lost. क्या तमाशा लगाया भाई, क्यों लड़ते रहते हैं उससे? मैं नहीं, वो लड़ती है मुझसे। एहसान फरामोश, एक तो मैंने आपकी अगवाशुदा भतीजी से शादी की, जिसको उसके मंगेतर ने ठुकरा दिया था। अरे उसको तो मेरा एहसान मानना चाहिए, कमजोर कहीं की। कमजोर वो नहीं है, कमजोर तुम हो। क्या समझते हो तुम खुद को, सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक लोगे? बज़ाहिर गेम अच्छा खेला था तुमने, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ ही जाता है। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं तुम्हें बेटा, ये सारी प्लानिंग हमारी थी। उन्होंने मेरे साथ
हेलो, क्या किया तुम लोगों ने अस्मा के साथ? यकीन करो जुशान, मैंने तुम्हारी कजन के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने तुम्हें सिर्फ एक दिन अगवा करने को कहा था। अस्मा के साथ किसी किस्म की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो झूठ बोल रही है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। माफ कर दो अस्मा, तुम वाकई एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने तो मुझे मेरे जुर्म के सामने भी शर्मिंदा होने से बचाए रखा। हटाकर करती भी क्या मैं? मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि ये हरकत आपने करवाई। आदिल से शादी ना करने की वजह भी यही थी कि आखिर था तो वो मर्द ही ना। कभी ना कभी उसके दिमाग में या दिल में मेरे अगवा वाली बात आ ही जाती। और आपसे शादी करने की वजह भी यही थी कि ये हरकत आपने करवाई थी। दौलत की चमक धमक ने तो मुझे पागल कर दिया था। मैं समझता था कि मैं हर एक चीज दौलत से खरीद सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारा दिल नहीं जीत सका और तुम्हारी शादी के दिन करीब आने लगे तो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना था। मुझे माफ कर। मैंने आपको माफ किया, लेकिन अगली बार दिल से नहीं दिमाग से सोचिएगा। यूं तो लोग औरत को फालतू और बेअकल कहते हैं, लेकिन दर हकीकत तो यह है कि औरत बहुत अक्लमंद होती है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे रिश्तों को निभाना है। मेरी बीवी ने तो मुझे ही अपनी नजरों में शर्मिंदा होने से बचाए रखा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।